जिस प्रकार का मैंडेट दिल्ली ने आपको दिया, 67 एमएलए आपको मिले, आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने काम का प्रारंभ ही विवाद से किया। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि हम सरकार अभी बनी है और उनको कुछ समय देना चाहते हैं। हम चाहते थे कि उनको 3 महीने 6 महीने वो कुछ काम करें, हम उनको रचनात्मक सहयोग दें और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका हम निश्चित रूप से निभाएं। लेकिन उन्होंने जो शुरुआत की इस प्रशासन की, वो कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स से स्टार्ट की, टकराव की राजनीति, कन्फ्रंटेशन की राजनीति, ना तो कोई विकास और ना कोई डेवलपमेंट। इसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। आप एक स्पेशल सेशन आप बुला रहे हैं, आपको यह स्पेशल सेशन बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको बार बार दिल्ली में जब आप चुनकर के आए थे, 49 दिन की सरकार आपने की थी, सरकार तो आपने तब भी चलाई थी, सरकार आप अब भी चला रहे हैं, और निश्चित रूप से ये जो कंट्रोवर्सी है, जो कन्फ्रंटेशन आपने खड़ा किया हुआ है, केंद्र सरकार ने बिल्कुल अब स्पष्ट कर दिया, अपना स्पष्टीकरण दे दिया, आपको क्लियरिटी दे दी, आपको बता दिया कि अब क्योंकि दिल्ली में जो विशेष राज्य का दर्जा है, दिल्ली जिस प्रकार से एक विशेष परिस्थिति में कैपिटल होने के काम करती है, सभी के अधिकारों को केंद्र सरकार ने पूरी तरह से परिभाषित कर दिया, केंद्र सरकार ने पूरी तरह से इसको क्लियर कर दिया, क्लैरिटी दे दी कि क्या उपराज्यपाल को करना है और क्या मुख्यमंत्री को करना है। अब आप इसमें भी विवाद खड़ा करना चाहते हैं, आप इसलिए क्योंकि आपकी जो नाकामियां हैं, आपकी जो उपलब्धियां कुछ नहीं है, आपने जनता के लिए कुछ किया नहीं, और इसलिए कोई ना कोई बहाना आप केंद्र सरकार पर थोक करके और इस तरीके से आप ये स्पेशल सेशन बना करके कि ये जो ऑर्डिनेंस क्लैरिफिकेशन आया है, इस क्लैरिफिकेशन को किस तरीके से गलत साबित किया जाए। आप प्रशासन करने आए हैं, आप शासन करने आए हैं या आप कन्फ्रंटेशन करने आए हैं? पहले जब अपनी मर्जी सरकार चला रहे थे तब लेफ्टिनेंट गवर्नर खराब नहीं थे, और आज चूंकि आपके पास केंद्र में सरकार हमारी है, तो आपको मौका है कि मैं कहूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में कुछ लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है कि ये दिल्ली सरकार और दोनों के जो रिश्ते हैं उनको रखने का काम इनको करना है। मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल साहब, जिस सरकार को 67 एमएलए मिले थे, वो पता नहीं उनकी मंशा आपकी गवर्नेंस की नहीं है। चाहते तो दिल्ली को कितना खूबसूरत और शानदार बना सकते थे, लेकिन आपकी मंशा ही नहीं है।